गोली ना ले गोली लेता मेरा 10 साल हो गया मोबाइल में 10 साल इसलिए थोड़ा लेट हो गया तो कोई बात अगर पूरी तरह गई तो बेहतर छोटी हो गई हाँ बड़ा तो भाई हाँ ठीक है तो बड़ा मदद मिलेगी। आज आपके यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम कार्यक्रम मतलब बहुत समय बाद हुआ है, कोरोना भी आया, बीच में प्रोग्राम होया नहीं आप लोगों का, तो आज जो प्रवासियों के साथ में प्रेम था आना जाने का, बेमिना ऊपर बैठा तो बोला था कि आया नहीं, डिस्टर्ब हो गया सर, आज से शुरू हो जाए और आपने जो जगह दी है तब फिर दीपावली के हिसाब से आज कार्यक्रम किया है। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत बधाई और सभी लोगों को धन्यवाद। सम्मान्य भोपाल जी, सम्मान्य सावला राम जी, आसू जी उसमें सब आ गए और सभी मंच पर विराजमान अतिथि और यहां उपस्थित सभी अपने मेरे परिवार के सारे बुजुर्ग और नौजवान साथी सबको बहुत बहुत आपको हाथ जोड़ कर भोपाल जी नाम खुशी है मेरे आप अच्छा बोला थोड़ा मेरी सुन तो लूटा नहीं सुनने वाला इसको 6वें साल में भी सही बात है उन्होंने भाषण शुरू किया जब एक बात थी तो मैं कड़वी बात भी करना चाहता हूं बहुत शानदार बात थी और आप सबको भी कहता हूं चेयरमैन साहब बोलते हैं जो होना है होगा मगर समाज संस्था जो भी धन्यवाद पाई मुझे सब हो थैंक यू चेयरमैन साहब ने जो कहा बिल्कुल सही बात है जो नफा नुकसान होना है देखा जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ता है मगर किसी भी समाज के अच्छे संगठन और अच्छी गति के लिए जो व्यक्ति कड़वी बात कहेगा उसको सदियों तक याद रखा जाएगा ये हमेशा आप लोग याद रखें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं ये मंच आपको क्यों दिया है आपको क्यों बिठाया इतने सारे लोग सामने बैठे हम मंच में बैठे माला हमको पहनाइए साफा हमको पहनाया उसका मतलब ये है कि हमारी जो सोच है हमारे मन में जो है और जो हम अच्छा सोचे उसको वो बात कहने में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए किसने क्या कहा उसका फैसला सामने बैठे हुए पूरे समाज के लोग लेंगे और उससे आगे अपने आप गति मिल जाएगी और पता चलेगा कि हम लोग और कड़वी बात के लिए बात क्यों है आज खुशी है कि आप लोगों ने जगह दी आप लोग रोज बैठोगे हम लोग आएंगे तो वहां जाएंगे कि मार्केट में बैठे हैं पूरे दिन दो दिन जिसको आना है उसकी सुविधा से आता जाए मिलता जाए जाता जाए अपना काम करता जाए कितना अवसर मिलेगा सब लोगों को आनंद आएगा संदेश जाएगा कि यहां अपनी समाज की एक जगह है और आपको देखकर जो दूसरे लोग हैं मुंबई में रह रहे हैं दूसरी जगह दूसरे इलाके में वो भी लेंगे जगह इस बात की हमको खुशी हुई मैं
आप सबके सामने दो तीन बात कहना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय बाद हम लोग ऐसे मिले हैं। ये समाज जो राजस्थान में आज जिसकी 40% से ज्यादा आबादी है और हम लोग वहां किन परिस्थितियों में रहे, किसी की छुपी हुई बात नहीं है। आप लोगों ने सपना देखा कि समाज का अच्छा संगठन हो, समाज अच्छा शिक्षित हो, समाज राजनीति में आगे बढ़े, स्थापित हो, और आप लोग एक अच्छे संगठित शिक्षित और राजनीतिक समाज का गौरव प्राप्त कर सको, ऐसा सपना इस समाज के बुजुर्ग और युवा माता और बहनों सबने देखा था। साधु संत बने हमारे समाजों में से, साक्षात रूप हुए, देवों के देव महादेव की अर्चना की हम लोगों ने, जिनको साक्षात दर्शन हुए, तो हमारे ऊपर आशीर्वाद था। जब जाके आपके पढ़ाई के मामले में, राजनीति के मामले में और समाज संगठित होकर कार्यक्रम करे, जगह ले, उत्सव मनाए, उसका आपने सपना देखा और वो सपना पूरा हुआ। आज ये जितने लोग मंच पर बैठे और जिन लोगों ने ये कार्यक्रम किया है, कमी भी रही होगी, गलतियां भी हुई होगी, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो काम करने की कोशिश करेगा, उसमें कमी भी रहेगी, उसमें गलती भी होगी, मगर जो निठल्ला होगा और कुछ नहीं करेगा, बातें करेगा, व्हाट्सएप चलाएगा, बोलेगा, टिप्पणी टिप्पणी करेगा, घर जाके झगड़ के सो जाएगा, वो इस समाज के काम का नहीं रह सकता। जो कार्यक्रम करके कमी रखेगा, गलती करेगा, वही सुधारेगा, वही समाज के काम आएगा। इस बात को सबको सोचना पड़ेगा और सही बात करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है हम लोग जो मंच पर बैठे हैं, ठीक है, सब लोग संघर्ष कर रहे हैं, मगर आप लोगों की भावना थी, आप लोगों को कुछ लिखा होगा हमने, और हमने भी आपके प्रेम, समर्थन, मदद, तालियों की गड़गड़ाहट और आपकी भावना देख के अगर पांव पीछे नहीं किए, तब जाके तो सब यहां बैठे, तब जाके ये उठाराम जी बैठे, सावराराम जी बैठे, आपके दूसरे लोग यहां बैठे, हम लोग बैठे। आसान है संघर्ष करना, आप लोगों ने प्रेम दिया, कमियां रहेगी पर आप लोगों ने प्रेम दिया, जब जाके आपने जाके हाथ जोड़े छत्तीसगढ़ के, जब जाके ये विधायक हुआ, मैं विधायक हुआ, मंत्री हुए, चेयरमैन हुए, सरपंच हुए, डेलीगेट हुए, प्रधान उप प्रधान हुए, देश आजाद होने के बाद और लोकतंत्र में जब से वोट पड़े, उन 50-60 साल बाद आपको मौका मिला, मौका मिला, बने, राजनीति के राजस्थान के नक्शे में आए, स्थापित हुए और राजनीति में आपका लोहा माना गया कि इस समाज को साथ रख के चलना पड़ेगा, इनकी बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता है, इस लोहे को आप लोगों ने बनाया। मगर अंत में क्या हुआ, अंत में मुझे याद है आज भी 2008 के चुनाव हुए, उससे पहले शेर सामने सचिव में एक कार्यक्रम हुआ होता था और गुजरात में बनछोड़ भाई अपने चुनाव लड़ने के पक्षपाल जेठा भाई, ये सब लोग आए वहां और उन्होंने भाषण दिया कि आप खाता खोलो
हम गुजरात में स्वागत कराएंगे, मगर खाता ऐसा खोलना कि कभी बंद नहीं हो। सब पूर्व बैठे मुझे पूर्व आनंद ले लो। पर मैं तो आप लोगों का प्रेम है, इस आशा से तो कभी भी जिंदा नहीं है कि एमएलए है कि एमपी है, बड़े हैं कि बड़े हैं। हम तो इस आशा से जिंदा है कि हमारे लोगों में दीवानापन रहना चाहिए, मजबूत रहना चाहिए, तो उस भरोसे से संघर्ष कर लेंगे। हमको कौन सा पद है 10 साल से मेरे पास? हारे तीन चुनाव तो तीन आम है, तीन क्या जमाना जब तक नहीं रही जागे वहां ज्यादा ही लोगों का प्यार और मन प्राप्त किए। युद्ध होते रहते, षड्यंत्र होते रहते, उसको जीतता भी है कोई, किसी को हराता भी है, उसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि कोई मैदान छोड़ के चला गया। मैंने सबको कह दिया सब ये गलत फहमी दूर हटा दो कि केवल एमएलए एमपी बनने के लिए दौड़ रहे हैं। हम दौड़ रहे हैं 25 साल पहले जो सपना हमने देखा कि अच्छी सामाजिक सेवा करें, समाज संगठित होगा, हमारा मजबूत रहे, हम लोग आगे जाए, खूब आगे बढ़े, वो सपना हमने देखा था। और इस मुंबई के गलियों में भी मार्केट में हम लोग को सपना लेके सारे लोग पुराने लोग सब बैठे, हम लोग जिस आशा से घूमे थे वो सपना आज भी हमारे दिमाग में है। 3 के 5 भी हारेंगे, 10 साल आगे भी होगा, कोई चिंता नहीं है, हमारी गति यही है। इसी भावना से दौड़ेंगे, इसी से भागेंगे, हमारा आत्मविश्वास है, यहां मजबूती है, दिमाग चलता है, गाड़ी में तेल हमारा जाता है, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, दौड़ और गाड़ी के टायर ये बंद नहीं होने वाले, ये संघर्ष तो चलता ही रहेगा, उससे कोई प्रश्न नहीं। और दूसरी बात और आपको बताऊंगा, आप लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को कहना पड़ेगा, मेरे में 10 गलतियां होगी, मंच पर बैठे हुए जो समाज का काम करते हैं उनमें 10 गलतियां होगी। कोई कहता होगा हमें सलाह दे रहे नहीं मान रहा, सुनने वाला एक होता है, बोलने वाले हजारों लाखों होते हैं, उस व्यक्ति को सुन के काम करना पड़ता है। गलती भी होगी मगर मैं आपको कहता हूं गलती होगी तो भी वो आदमी आपका होगा जिसको आप अंदर ले जाके कमरे में बिठा के बात नहीं कर सकते हो, और वो आपके खिलाफ भी होगा और आपको जरूरत पड़ेगी तो रात को 3 बजे भी आप नहीं सोचोगे कि हार हाल और नहीं बनती तो अपने साथ में खड़ेगा बोले से घर जा सकते हो, वो आपका अपना होगा और आपका अपना रहेगा। और हम लोगों ने कहा गलतियां की, अब भारत में कहोगे पौनी पौने ढाल होते हमें 10 साल बाद उनके अंदर देखा है। क्यों? क्योंकि वोट 36 को मिले जब जाके वोट आते उनका प्यार था जब जाके जीते हम चुनाव लड़े पिछले चुनाव से।